चलते समय गोगा से कहती है कि सही बात है, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आती तो तेरा कौन सा राठौड़ी रानी आने वाली है, मतलब कि तेरा विवाह कौन सा राठौड़ी रानी के साथ होने वाला है। बोल भी मार के चली गई। गोगा भी उस समय का हीरो होगा, उसने भी उसका हाथ पकड़ा भाभी का और कहता है कि भाभी अब अगर विवाह होगा तो राठौड़ी रानी के साथ होगा, नहीं तो गोगा ऐसे ही मर जाएगा। तो भाभी भी चली गई, बोल देखते हैं क्या होता है। अब गोगा 65 साल का आदमी है, टेंशन में तो आ ही गया कि तूने जोश जोश में बोल तो दिया कि राठौड़ी रानी के साथ में होगा, पर राठौड़ी रानी है कहां, लाए कहां से, नहीं पता चला। समय 1-2 महीने बीत गए होंगे बात को कहे भी। तो एक दिन भाभी के पास ही चला गया और भाभी से जाके कहता है कि थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। बोला कि क्या, आप मुझे ये तो बताओ कि राठौड़ी रानी है कहां। तो उसने कहा कि बता तो मैं दूंगी पर विवाह तुझे करना पड़ेगा, वो टेंशन मुझ पे छोड़ दो कि मैं अपने आप कर लाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो। राठौड़ी रानी है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में कौन सा राजवंश है, और जोधपुर में फलोदी तहसील पड़ती है, सारा पता बता रही है, और गांव पड़ता है कोलूमंड, और कोलूमंड में राजा है बूढ़ो जी। राजा कौन है, और बूढ़ो जी की बेटी है कैलमदे राठौड़। कौन है, कैलमदे राठौड़। भाभी ने बता तो दिया पता, अब लाना इसके हाथ में है। इधर इसकी उम्र 65-70 साल होने को गई, उधर उस लड़की की उम्र 16-17 साल है, और गोगा अपना घोड़े को उठाएगा, नीला घोड़ा, नीला है इसका घोड़ा, ध्यान रखना नीला, जिसको कहते हैं गोगा बापा, गोगा बापा, इसको उठाएगा। चलो अब जाएंगे जोधपुर में, कौन से गांव में जाएंगे, फलोदी तहसील, गांव कौन सा, कोलूमंड, और किसकी बेटी है जिसका नाम क्या है, कैलमदे। बात समझ में आ रही है, यहां जाएंगे और विवाह करके लेके आएंगे। वहां पे गए, जाके उनसे मिले बूढ़ो जी से। बूढ़ो जी ने इसको देखा, देख के कहा कि तेरी उम्र शमशान में जाने की हो रही है और तुझे अब विवाह की पड़ी हुई है। तो इसने कहा कि विवाह तो मैं करूंगा और आपकी बेटी से ही करूंगा। ये क्या सनी देओल से कम था, काजल तुम सिर्फ है ना। तो ये भी वो ही है, उसके पिता को यही कह के आ गया कि अगर इस लड़की का विवाह होगा तो मेरे साथ होगा, अगर और किसी के साथ में विवाह हुआ और जिसके सर पर सहरा होगा सबसे पहले वही मरेगा। तो कह के वापस आ गया, बूढ़ो जी ने इसको मना कर दिया। अब टेंशन में हो गए, पहली बार किसी के लिए प्रस्ताव लेके गए, वो भी मना कर दिया, अब कौन विवाह करेगा, थोड़ा टेंशन में आ गया। ये आ गया वापस, एक दिन गोरखनाथ जी के मंदिर में चले गए गोगा जी, क्योंकि इनके गुरु भी तो यही है भाई, माँ का गुरु बेटे का गुरु। तो उनके मंदिर में चले गए और मंदिर में जाके सोच रहे थे कुछ, तो गोरखनाथ जी ने कहा कि क्या बात है, क्या टेंशन है। तो इसने कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने इनसे कहा कि मैं जल्द ही स्वर्गलोक में जाने वाला हूं, तुम लोगों को कोई भी चीज मांगनी है तो मेरे से मांग सकते हो। तो गोगा जी ने कहा महाराज यहां की प्रजा जो है वो सांपों से बहुत परेशान है, क्योंकि सर्प, पहले कोरोना थोड़ी होता था, पहले कैंसर थोड़ी होता था, अधिक से अधिक लोग सर्पों से मरते थे, सर्प ज्यादा थे, जंगल ज्यादा हुआ करता था। तो आप कुछ ऐसा करो कि सांपों का इलाज कर सकूं मैं, जो भी आदमी बीमार हो उससे। गोगा जी ने कहा कि तेरे को सांपों की सिद्धि दी जाती है, तभी तो आप इसको सर्पों का देवता कहते हो। अपने गांव में आज भी सर्प निकल जाता है तो अपनी दादी मम्मी जो भी होती हैं वो कहती हैं कि गुग्गा की कढ़ाई करेंगी, वो गुग्गा ही गोगा है, ये गुग्गा ही क्या है, गोगा है, पता है ना इस बात में सबको। तो इसलिए सर्पों के देवता कहलाते हैं। सिद्धि मिली इनको किससे, गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी चले गए स्वर्गलोक को। अब इसके दिमाग में एक बात आई,
कि क्यों ना इन सर्पों के देवता को बुलाया जाए। तो सर्पों के देवता को बुलाया और उसमें एक नागिन थी, कहीं मिल जाता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार पेपर में आने वाली बात नहीं है ये, कोई पद्मा नागिन है। उसको बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि क्या? बोला तुझे जोधपुर में जाना है, फलोदी तहसील में जाना है, कोलुमंड गांव में जाना है, बूढ़ो जी की बेटी है कैलमदे राठौड़ और वो बाग में घूम रही होगी इस समय, और तुझे जाके उसको डसना है। दुनिया में कोई ठीक कर सकता है तो वो गोगा है, नहीं तो ऐसे ही मरेगी वो भी, अपने को नहीं मिली तो वो ऐसे ही मरेगी। तो यहां से उन्होंने कहा, तो इसने कहा कि ठीक है जैसी आपकी इजाजत। चली गई, वो बाग में घूम रही थी, जाके कैलमदे राठौड़ को उसने डस लिया, मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई तो बूढ़ो जी को तो पता ही था कि एक ही आदमी ठीक करता है दुनिया में और वो गोगा जी हैं, पर उसको बुलाएंगे तो वो विवाह का प्रस्ताव रखेगा, पर वैसे लड़की मर जाएगी तो बुलाना भी पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसने बुलाया इसको, अब आराम से जाएगा क्योंकि अब जरूरत किसको है, बूढ़ो जी को है, अपने को थोड़ी है। तो घोड़े को लेके गए, अब की बार शेरवानी वगैरह लगा के गए कि अपना विवाह पक्का है। तो कहते हैं कि वहां पहुंच गए और बूढ़ो जी के घर पे जाके और कहते हैं कि इसको जीवित मैं तब करूंगा जब आप इसका विवाह मेरे साथ करोगे। बूढ़ो जी ने कहा कि ठीक है, मरने से अच्छा है, तेरे साथ जाएगी तो भी मरेगी वैसे भी, तो उसके साथ में ही करवा दिया जाए। तो कहते हैं कि उनके साथ में करवा दिया गया विवाह। विवाह करके वापस आ जाते हैं तो गोगा जी की पत्नी, आप याद रखेंगे जिसका नाम क्या होगा, कैलमदे, भाभी के बोल की वजह से राठौड़ी रानी से ही किया है इन्होंने, कैलमदे राठौड़ से विवाह कर लिया। समय बीतता चला गया, बहुत सारे युद्ध लड़े इसने, सब में जीता करता था, योद्धा था, वीर था। और एक दिन कहते हैं कि एमपी या यूपी की तरफ गए हुए थे कोई युद्ध लड़ने के लिए, वहां चले गए, युद्ध लड़ रहे थे, पत्नी तो घर पे ही थी, कैलमदे राठौड़ तो घर पे ही थी, युद्ध लड़ रहे थे, वहां पे कोई लड़की जो होती है जिसका नाम होता है सरियल, नाम क्या था, सरियल, वो गोगा जी को देखती है, इनकी योद्धा को देखती है, ये उठा उठा के पटक रहा था सबको, उन्होंने इसको देखा और वो इनसे प्रभावित हो गई कि ऐसा तो दुनिया में ये हीरो कहां से आ गया। तो उन्होंने इसको देखा, इसके सामने जाके कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। इसने कहा कि ठीक है, एक से बलि दो। तो इन्होंने दूसरी पत्नी, ये देवता देख लो,